अब आपको मुझसे अच्छे से पेश आना पड़ेगा वरना लोग बहुत बुरा बोलेंगे आपको। बोलते रहे भाई आप व्लॉग में ऐसे क्यों करते हैं यार, ये रियल में बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये हम जानबूझ के व्लॉग में एटीट्यूड दिखाते हैं और बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनको व्लॉग में आना पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे मना नहीं करते। लेकिन आपको आप प्रैंक में कैसे रिएक्ट करेंगे बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम लोग जा रहे हैं और मेरा बैग एहतिशाम ने पकड़ा हुआ है। एहतिशाम है मेरा छोटा देवर और ये 20 साल का कहीं से आपको लगता है? नहीं लगता होगा क्योंकि ये लगता ही नहीं है 20 साल का, ये लगता है, मैं बताती हूँ देख के, ये लगता है तकरीबन 25 साल। और इसके पाँव में बहुत गंदी चोट लगी हुई थी लेकिन अब सही हो गई है बेचारा, फिर भी मेरा बैग लेके नीचे आया, बहुत अच्छा है। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एंड इस व्लॉग को पहले से ही बता रही हूँ, लाइक कर लिएगा। हम सफर के लिए निकल गए हैं, लारिफ शाहिद आगे बैठ गए और खाने पीने का सामान हमने सारा ले लिया, लारिफ का बैग पीछे नहीं आया तो वो हमें मजबूरी में आगे रखना पड़ा। मुझे लगता है जब जगह कंजेस्टेड हो जाएगी और लेटने का दिल चाहेगा तो ये बैग हम किसी भी तरह पीछे एडजस्ट करेंगे क्योंकि आगे हम बहुत सारे लोग हैं। पैसे निकाल लेते। सो हम लोग स्टिलर्स कैफे ना, स्टिलर्स कैफे आए हैं और अभी हम लोग ये कहाँ रुके हैं कुछ पता है? कहाँ रुके हैं लाल शायद हम लोग? हाँ हम लोग, मेरा चश्मा मेरा चश्मा लाने का तो कोई फायदा ही नहीं, मेरी तबीयत इतनी खराब है, हद से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मेरा कोई मूड नहीं हो रहा व्लॉग बनाने का, लेकिन बनाना पड़ रहा है। एसी वाली कोई जगह मिल जाए तो सुकून आ जाए। कराची में मौसम ठंडा हुआ, हम निकले और यहाँ इतनी हुई सुकून, शुक्र अल्लाह का लाख लाख। भाई कोने पे बैठते, कोने पे, इधर एसी है ना। मेरा भी मेरे मिक्स सब्जी खाने का दिल चाह रहा था, वो जगह खाने वाली नहीं थी, लारे ने इतनी गंदी जगह पे रोका जहाँ के बाथरूम धूप में थे, धूप में बाथरूम बने हुए थे और हमारी सिकाई हो गई, मेरी और आलम की तो सिकाई हो गई है ना आलम। हाँ तो भाई हम लोग मुल्तान आ गए, आते के साथ ही पूरे रोड पे सोन हलवा, हर जगह सोन हलवा की दुकान नजर आ रही है, पोस्टर लगे हुए, मुझे लगता है मुल्तान का मशहूर सोन हलवा होता है ना लारे। तो हमारे आते ही हम लोग सोन हलवा ही देख रहे हैं और मुल्तान का रोड बहुत अच्छा है। खैर हमारा इरादा ये है कि हम यहाँ पे स्टे करें क्योंकि हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करना बनता है, फिर यहाँ से रेस्ट करके हम जाएंगे पेशावर, हदीका को पिक करेंगे, फिर हम वहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे। तो मैंने कहा बता ही देती हूँ क्या छुपा रही हूँ, तफरियाँ कर रही हूँ, खैर पता तो चल ही जाता है आप लोगों को, तो मैंने पहले बता दिया ड्रामा बाजी ही नहीं की मैंने। खैर अभी हम लोग मुल्तान के रोड पे हैं, बस पहुँचते हैं फिर खाना वाना खाएंगे क्योंकि हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, लारिम ने जो सैंडविच खाया था वो भी इतना लाइट था कि उन्हें और भूख लग रही थी, बट उन्होंने कहा खैर है चल जाएगा थोड़ी देर, फिर हम लोग अभी कहीं रुकते हैं और वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं क्योंकि जासिम भाई ने बताया कि यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के खाते हैं, बहुत गंदी हालत हो रही है कमरों की और मैं और अहला में कोने पे बैठे हुए हैं कि ये कमरा साफ हो। मुल्तान में हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ के होटल्स का नहीं पता तो जो हमें होटल पता लगा हम उस होटल में आ गए, बट मैं अभी सारी चीज़ें चेंज करवा रही हूँ और अभी हमें बहुत भूख लगी है। मैंने और अहला ने सिर्फ मोमोज खाए थे दो दो सुबह के टाइम और अभी तक हम लोग भूखे हैं, लारिफ ने तो सैंडविच खाया था बट वो भी बहुत लाइट था, उनको भी भूख लगी, अभी हम कुछ खाएंगे उसके बाद अब रात में ही सोएंगे क्योंकि हमने सुबह यहाँ से निकलना है। तो हमने मैट्रेस बिछवा दी है क्योंकि हमने बोला कि भाई हमने सोना ही है एक ही कमरे में जो है हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, वरना मैं और अहला एक कमरे में बोर हो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए हमने कहा कि एक ही कमरे में स्टे कर लेते हैं ताकि हम लोग इंजॉय भी करें और बस यहाँ से फिर सुबह निकलना ही है। तो ये है कि अभी ये कमरा साफ हो जाए एनी हाउ क्योंकि मैं इस कमरे में नहीं रह सकती, ये भी बेडशीट गंदी हो रही है, दो बेडशीट ला रहा है सारी गंदी ला रहा है।
सरप्राइज हम लोग पहुंच गए थे मुल्तान, और मुल्तान में हमने स्टे किया। मैं और एलम जो है सो गए थे थोड़ी देर, अभी उठे हैं लारे, और जो है जासिम भाई बाहर गए हुए, और हम लोग गपशप लगा रहे थे, बातें शाते कर रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी स्नैप्स वगैरह भी बना लूँ, तो मैं लोगों से बातें करी थी। मैंने बाल बिल्कुल नहीं बनाए, बहुत अजीब से बाल हो रहे थे, अभी भी मेरा दिल नहीं तैयार होने का। मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी मैं थोड़ी बेहतर फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने शायद रेस्ट किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खैर अभी हम मे बी बाहर खाना खाने के लिए जाएं, और लेट्स सी के मुल्तान में क्या अच्छा मिलता है। मैंने स्नैप लगाई थी, लोगों से पूछा कि कुछ अच्छा बताएं यहाँ पे खाने के लिए। तो हम लोग अभी खाने के लिए बाहर जाएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे मुल्तान ही, क्योंकि हम मुल्तान में सुबह तक हैं, तो जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक हम जा चुके होंगे। क्योंकि मेरे स्नैपचैट पे अल्लाह मुल्तान में मेरे इतने फैंस हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतने मैसेज आ रहे हैं हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। अब जब तक ये व्लॉग चलेगा तब तक मुझे इतने सारे मैसेज आ चुके होंगे, मैं मुल्तान से जा चुकी होंगी आगे की तरफ। मुल्तान में हमें एक प्रमोशन भी थी, एक काम था जो कि हम लोगों ने आते के साथ ही कर लिया था। अब हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, रेस्ट भी हमने कर लिया है। आज के व्लॉग में कश्यप तो है ही नहीं, मैं ही हूँ, वर्कआउट करने आया हूँ। वर्कआउट तो चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये आतिफ भाई हैं, इन्होंने रात को इतनी हमें वर्कआउट करने दे दिया, थैंक यू सो मच आतिफ भाई। हम अब मैं जब भी आऊँगा मुल्तान आपके ही जिम आऊँगा। क्या नाम है जिम का? नाम है मेरा लाइव फिटनेस जिम है। कहाँ पे है? गुज्जर खड्डे रोड पर मुल्तान। गुज्जर खड्डे रोड पे भाई, आप लोग भी आए भाई सब इधर, और अपनी फिटनेस जो है ना, फिटनेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सो गाइस, मैं और अहलम जा रहे हैं खाना खाने, लारे जिम करके आ चुके हैं, और अब हम लोग उनके साथ डिनर पर जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमने कहा कि हम मुल्तान आए हैं तो हमें कुछ यहाँ का अच्छा ट्राई करना चाहिए। तो हम तीनों जो हैं वो जा रहे हैं डिनर पे, लेट्स सी कि हमें क्या अच्छा मिलता है खाने के लिए। हम लोग यहाँ से आए थे ना, गलत जा रही मैं गलत जा रही ला रहे ना, हमें बाहर बुला लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं आए। उन्होंने सोचा होगा कि हम, मैं तैयार होने में टाइम लगाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा की तरह तैयार, मैं टेंट लगाती हूँ सिर्फ, उसमें भी उन्हें लगता है कि मैं देर कर देती हूँ। तो कैसा लगा आपको जिम करके? बहुत यहाँ पर आकर भी आपको सुकून नहीं, आपको जिम करना था पूरा, ये जिम ढूंढना है इन्होंने, फिर इनको जिम का ही खुला मिला, फिर ये जिम करके आए। स्वेटिंग हुई थी? ओ शेट, लारे उलझन नहीं आ रही? आपको नहाने का दिल नहीं था? वर्कआउट की खुशी ज्यादा है अभी, वर्कआउट की खुशी था इतनी, मतलब वापस से मोटिवेशन आ गई। पहले आपने लारे ने बिल्कुल जिम छोड़ दिया था भाई, बीमार भी थे, उसके अलावा भी हमारा कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ काम। अभी भी हम लोग मुल्तान में काम से आए, लेकिन लारिब ने बोला इतना थके हूँ, मैंने कहा लारिब रेस्ट कर ले। नहीं भाई, लारिब बोला मैं तो जिम करने के लिए जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कोई काम भी हो, हम कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जिम नहीं छूटेगा, जिम नहीं छूट सकता है ना। क्या किसी ने कोई सजेशन किया था एक रेस्टोरेंट को सर्च कर? सही है, वहाँ पे चलते हैं। फिर किसी ने स्नैपचैट पे लारिब को रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, मैंने भी स्टोरी डाली हुई उस पर, देखूँ सजेशन में देखते हैं। भाई लारिब ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह जिम में थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो नहीं अभी तक देखा, लेकिन मैं इसमें ऐड करवाता हूँ, मैं देखूँगी। लारिब ने बराबर से एक शेक पिया, पिस्ता काजू बादाम खजूर अखरोट है ना, मुझे इंसानों की तरह, ओ शिट, देख के लारिब देख चुका था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था, अभी हम लोग जो क्या बोलना चाह रही थी, मैं कह रही थी अब मुझे आहिस्ता हंसना है, मुझे तमीज से बात करनी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा, मैं लोगों के कहने पर जीऊंगी अब।
लड़े में इतना गुस्सा करते बोलते तो मैं क्या लोगों से मसला, जब मुझे मसला नहीं तो तुम लोगों की बात क्यों करती हो, मेरे मियाँ को मसला नहीं है तो फिर मैं लोगों की बात नहीं करती। सॉरी अंकल, क्या मस्त हो रहे हैं यार, बन्नू का पुलाव पता नहीं कैसा हो, चलते हैं इसको बोलते पहले ट्राई करवाओ। नहीं ना, चलते हैं कहीं सर्च करो पहले। मुझे भी पता, मुझे बस सिखाया मैं ऐसे आपको चेक कर, अल्लाह इतने निचोड़ लो ना इसमें से आधी बाल्टी पसीना निकलेगा, इतने गीले हो रहे हैं। ये भी स्पाइस लाइफ रेस्टोरेंट 4 बजे बंद होगा, ना जाता है तो फिर ये भी अगर मैं नाम लेता तुम बोलती यहाँ चलते हैं। ये कहीं देखने में अच्छा लगता है ना, मिड टाउन डाइनर चलते हैं, ये भी खुला हुआ है 3 बजे तक। वाव यहाँ चलते हैं, वाव स्टेक पड़ा हुआ है तो यहाँ चलते हैं। ये मुझे अच्छा भी लग रहा है यार, हम क्या इसी तरह से रेस्टोरेंट ढूंढते रहेंगे, मतलब कि बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, अच्छे रिव्यूज हैं। चलो भाई हमने क्या नाम है, मैं नहीं बता, नहीं ना बताए क्या नाम है, नहीं बताए, गैस करो गैस, नहीं आप बताएं, जल्द से मैं अपने लोगों को बताऊंगी ना जो मुल्तान के फैंस हैं, आप भूल रहे हैं। मिड टाउन डाइनर्स जा रहे क्योंकि उसके रिव्यूज अच्छे हैं। अब आपको मुझसे अच्छे से पेश आना पड़ेगा वरना लोग बहुत बुरा बोलेंगे आपको। बोलते रहे भाई आप व्लॉग में ऐसे क्यों करते हैं यार, ये रियल में बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये अब जानबूझ के व्लॉग में एटीट्यूड दिखाते हैं और बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनको व्लॉग में आना पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे मना नहीं करते, लेकिन इनको खुद, लेकिन ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं लारे, माशाल्लाह माशाल्लाह कि लारे व्लॉग की आदत बनाएं क्योंकि उनकी बेगम का शौक है और उनकी बेगम को पसंद है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो भी जो है अपना शौक बना लें इसको, बट उन्हें पसंद नहीं है व्लॉग में आना, और मतलब ये कि वो नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल चेंज है और व्लॉग में बिल्कुल चेंज है ना अमल। हेलो हेलो, तो मैं क्या हो रही हूं अमल, इतना मुश्किल नाम रखा हुआ, सब पूछ रहे हैं ये कौन है कौन है कौन है, ये मेरी दोस्त है, ये उसकी भतीजी है और उसको हम पिक करेंगे पेशावर से, रूट बहुत लंबा था तो हमने मुल्तान में स्टे कर दिया, अब हम पेशावर से उसको पिक करेंगे, फिर वो भी हमारे साथ घूमेगी फिरेगी ऐश करेगी क्योंकि हम लोग को जो काम था वो इधर ही था, वो निपट गया, बस एक छोटा सा काम है संभालना, फिर हम लोगों ने सिर्फ घूमना ही घूमना है और हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं और मेरे व्लॉग्स आपको पूरे ट्रिप्स के ही मिलेंगे क्योंकि अभी हम लोग बहुत 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 ज़्यादा घूमने वाले हैं, जो काम था यहाँ पे भी निपट गया, कि छोटा सा काम है इस्लामाबाद में वो भी निपट जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग मे भी आगे भी जाएं और आगे भी घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, है ना मेरा आना ज़रूरी है। हाँ ना, आप भी बोला करेंगे, लोग आपका बोलना पसंद करते हैं, आप उतने ही नहीं बोलते, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप सीखेंगे, तो गीले से बोलने का क्या ताल्लुक ला रहे हैं, कुछ भी ऐसा तो आपका रिएक्शन तो ठंडे होते हैं, लेकिन आपको आप प्रैंक में कैसे रिएक्ट करेंगे बताएं, भाई अब मैं ना व्लॉग बंद कर रही हूँ क्योंकि हमारी थोड़ी सी प्राइवेट टॉक्स भी हैं तो हम वो भी कर लें, फिर जब हम रेस्टोरेंट पहुँचेंगे ना वहाँ पे जाके बताऊँगी कि हम कहाँ पहुँचे हैं और वहाँ का रिव्यू भी दूंगी कि वो कैसा रेस्टोरेंट है। बाकी आप लोग बताएं मेरे ऊपर बंदे हुए बाल अच्छे लग रहे हैं आप लोग, वो गंदे खुले हुए क्योंकि मेरे मियाँ ने तो मेरी तारीफ ही नहीं की। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग मेरी चप्पल और मेरी हालत देखें और ये मुझे कितने अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं इतनी गंदी हालत में, सबकी हालत ही इतनी गंदी हो रही है क्योंकि वैसे ही अंदर से इतना प्यारा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन बाहर से ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था, अंदर है अच्छा देखते हैं, और मतलब इतनी गंदी हालत में ये हमें ले आए हैं, ये उतने बाहर रख दो उसको समझ ही नहीं आया। मेन्यू दे दे क्या खाना अच्छा है आपका, ट्राई करें एक बार, तारीफ करो ये नहीं था
ग्रिल मोरक्कन फिश दिस वन हम ऑर्डर दे रहे हैं तुम वहां पर ले लो आप कि तुम क्या खाओगी मैं तो कुछ भी खा लूंगी कुछ भी खा लेगी भाई इसको कुछ भी लिख के प्लेट के अंदर ला दो या कुछ भी खा लेगी वो दे भी रहा है वो दे भी रहा है चल बेटा खा ले ग्रिल्ड मोरक्कन फिश लिखो और ये मत कर कोई सी भी नहीं है भाई हमें किसी ने सजेस्ट किया था मिड टाउन कैफे और हम वहाँ आ गए और हमने लालिब का हाथ मेरे मुंह से माशाल्लाह ज़्यादा बड़ा दिखा ऐसे नहीं है हमने इस पर क्रीम भी बनाई थी किसी को देख के चोरी की थी खैर खैर बताना ये था कि जिसने हमें ये कैफे खैर बताना ये था जिसने हमें ये कैफे सजेस्ट किया था इसका बर्गर ओह माय गॉड सो यम बहुत मज़ा भी सजेस्ट नहीं किया था मैंने खुद ढूंढा तौबा हाँ और अभी यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड मिलने आ गई हमें इतने सारे रेस्टोरेंट सजेस्ट किए लेकिन एक बजने की वजह से सब बंद हो चुके थे मुझे खुद ढूंढना होगा नारिब ने खुद ही ढूंढ के निकाला लेकिन लिटरली यहाँ के बर्गर बहुत मज़े के हैं चिकन भी अच्छा और बीफ भी अच्छा है अब मैं अपने आप को खुद ही रिकमेंडेशन दे देता हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये आदमी बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है मैं वैसे भी नाराज़ थी तो बोल लिया ना व्लॉग के बाद ज़्यादा दिखाऊंगी अब मैं व्लॉग में लड़ाई दिखाना नहीं चाहती लोगों को मेरी और तुम्हारी लड़ाई क्या मैं तुम्हारी लड़ाई दिखाऊं बट ये लड़ाई है तुम्हारी तो आप देख लें कितना क्यूट लड़ते हो ना अभी मैंने मम्मा को भी कॉल करी उनसे भी बात कर ली और मैंने अपनी सास मम्मा को भी कॉल कर ली उनसे भी बात कर ली सबको टाइम दे दिया व्लॉग भी बना लिया है स्नैप्स भी बना ली हैं ऑल डन अब हम लोग व्लॉग की एंडिंग करेंगे पहले मुझे एक चीज़ चाहिए अगर वो लारिब ने नहीं दिलाई तो फिर हमारा बहुत गंदा पड्डा होने वाला है और अगर दिला दी तो मतलब आप मुझे दिलाने वाले नहीं हैं मेरा मुंह वैसे ही बना हुआ उस बात की वैसे लेकिन मैंने खुद को नॉर्मल कर दिया क्योंकि मैं हर वक्त लड़ती रहती हूँ तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं लड़ रही हूँ ये लो ना स्ट्रॉ ये रहा खैर अभी जो है अभी देखती हूँ फिर मैं व्लॉग की एंडिंग होटल में जाके ही करूँगी बताऊँगी ना फड्डा हुआ कि नहीं हुआ अब मैंने जेल लगा लगा के इतने कड़क बाल बांधे क्योंकि मैं पागल हो गई थी मेरे यहाँ से बाल निकल रहे यहाँ से निकल रहे थे यहाँ से निकल रहे थे फिर मैंने कोनिया बांध बांध के बाल बांधे ताकि मेरे बाल अंदर से निकल सके